मेरे को ये शिकायत मिली है कि तू डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहर जाकर महिलाओं को घूरता रहता है। इसमें मेरी थोड़ी गलती है। तो ये तो डॉक्टर साहब की गलती। तू इनके क्लिनिक के सामने जाकर महिलाओं को घूरता रहता है, उनकी गलती है। हाँ? कैसे? उन्होंने ही आगे में बोर्ड लगा कर रखा है। बोर्ड क्या लगा कर रखा है? महिलाओं को देखने का समय 3 बजे से 6 बजे तक। हेलो, आर्य रुपेश जी कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में? मेरे समय में ही ऐश करने चले जाते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐश करने नहीं। हेलो दोस्तों, अकेले आए हो क्या? गलत फ्रेंड को लेकर आए? पागल गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ आएंगे? सारे हमारे मित्र हैं जो बहुत अच्छा कहते हैं कि कला की कद्र वही करता है जिसको कला की समझ होती है। बिल्कुल प्लेन कर दीजिए। हे भाई, एकदम प्लेन कर देना। हाँ, कर रहे कर रहे। देखिए, इस एक्ट को वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं और बहुत कम लोग इस एक्ट को करते हैं। ये आप कहिए कि आपके जो जिला पार्षद हैं माननीय श्री पुष्कर जी और साथ ही साथ हमारे दिनकर जी। हाँ, दिनकर जी, और आप लोग वो लोग हैं जो कला की कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। डांस बहुत देख लिया, गाना बहुत देख लिया, एंटरटेनिंग पार्ट कुछ क्रिएटिव आपके बीच अगर ये पेश कर रहे हैं तो एंजॉय कीजिए। ये कहाँ जा रहे हैं एंजॉय करने? कहाँ जा रहे हो भाई? हाँ, वही देख रहे हैं हमारे सारे दोस्त यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं। अरे डॉक्टर साहब सामने में ही है। हाँ, डॉक्टर साहब सामने में ही है। हैंड राइटिंग तो मेरी ही खराब थी। हाँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सका। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, लेकिन एक बात है, मेरे को एक शिकायत मिली है। क्या शिकायत मिली है? मेरे को ये शिकायत मिली है कि तू डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहर जाकर महिलाओं को घूरता रहता है। इसमें मेरी थोड़ी गलती है। तो ये तो डॉक्टर साहब की गलती। तू इनके क्लिनिक के सामने जाकर महिलाओं को घूरता रहता है, उनकी गलती है। हाँ? कैसे? उन्होंने ही आगे में बोर्ड लगा कर रखा है। बोर्ड क्या लगा कर रखा है? महिलाओं को देखने का समय 3 बजे से 6 बजे तक। अच्छा अच्छा, ये कैमरा के नागे से हटना भाई। आया क्या फोटो? आया? आ रहा है फोटो आ रहा है। अच्छा आना चाहिए, है ना? इसकी तो शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी आनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज मैं एक शायरी आपके बीच रखना चाहता हूँ कि नजर से नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम करने है कि नजर मिलाने है? यार शायरी बोल रहा हूँ, बोलने दे। अच्छा बोल। कि नजर से नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन लफड़ों में नहीं खोड़ता है उसे समझदार कहते हैं। अच्छा अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक कहानी सुना। अरे यार मेरे को देखने देना, कौन कौन आए हैं। अरे नहीं नहीं, प्लीज एक कहानी सुना दे। बुलाने नहीं। अरे यार सुना दे यार। नहीं, प्लीज प्लीज सुना ना। इसको जिद हो गई है। चल ठीक है। हाँ सुना सुना सुना। एक बार की बात है। हाँ एक बार की बात है। पांच दोस्त होते हैं। पांच दोस्त होते हैं, वाह बहुत बढ़िया। पांच दोस्त, एक अंधा। हाँ एक अंधा। एक लंगड़ा। लंगड़ा, अच्छा। एक पैर से। अच्छा, एक पैर रहता है। भैया धीरे बात कीजिएगा, है ना। एक पैर से, एक लंगड़ा होता है, एक अंधा होता है, एक गूंगा होता है। हाँ ठीक है। एक गहरा होता है। ठीक है, चार हो गए। पांचवा आगे आएगा। अच्छा पांचवा आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लोग एक रेगिस्तान में जाते हैं। रेगिस्तान, बाप रे, गर्मी वाला क्षेत्र। हाँ, वहाँ दिन रात मूसलाधार बारिश हो रही है। रेगिस्तान गए, वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। हाँ, इनके कपड़े गीले हो जाते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं ये? खुले आसमान के नीचे। हाँ, कपड़ा सूखने के लिए दे देते हैं। रेगिस्तान है, बारिश हो रही है, और वहां पर कपड़ा सूखने के लिए इन्होंने दे दिया। हाँ, गजब कहानी है। आगे क्या होता है? तो ही बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है। अरे वाह सही है, किधर से निकाला पागल कहीं का। हाँ ठीक है, तो बिजली कड़कती है, फिर क्या होता है? बिजली की आवाज सुनकर गहरा डर जाता है। बिजली की आवाज सुनकर कौन डर जाता है? गहरा। अच्छा, यह देखकर लंगड़ा ही डर जाता है। अच्छा, लंगड़ा भी डर जाता है। फिर यो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ, दौड़ने लगता है। जो एक पैर से लंगड़ा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगता है। हाँ। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर गूंगा बोलता है। गूंगा बोलता है, क्या बोलता है? ए भाई इतनी जोर से मत दौड़, गिर जाएगा। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर अंधा एक पत्थर उठाता है। हाँ, निशाना लगाकर मारता है।
एक मिनट, तेरी कहानी बड़ी गजब है यार। रेगिस्तान है, उसमें बारिश हो रही है, जो अंधा है वो देख रहा है, जो गूंगा है वो बोल रहा है, जो बहरा है वो सुन रहा है, जो लंगड़ा है एक पैर से वो दौड़ रहा है यार। अच्छा ठीक है, पांचवा का है वो क्या कर रहा है? पांचवा पागल है। वो क्या कर रहा है? मेरे से सवाल कर रहा है। बदमाश कहीं का, बहुत तू बदमाश हो गया है। लेकिन एक एक शायरी तू सुना दे। शायरी? हाँ। कि पेट्रोल डालोगे तो चलेगी गाड़ी। अरे वाह, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी गाड़ी। तेरे से पूछा है क्या? पूछा है क्या? ठीक है तू ही बोल। पेट्रोल डालोगे तो चलेगी गाड़ी। वाह 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 वाह। हाँ ये ठीक है। हाँ हाँ, आगे आगे। पेट्रोल डालोगे तो चलेगी गाड़ी। पेट्रोल डालोगे तो चलेगी गाड़ी। पेट्रोल डालोगे तो चलेगी गाड़ी। अबे आगे क्या? नहीं डालोगे तो नहीं चलेगी गाड़ी, है कि नहीं? अच्छा लेकिन मैंने सुना है कि पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। कौन कहता है पेट्रोल महंगा हो गया? हाँ जी सर। हेलो सर। आ रहे क्या? सही सही आ रहा है। हेलो। सब का ठंडी लग रही? ठंड नहीं लग रही, सबने ऐसे मोफलर लगा के रखा है जैसे केजरीवाल है। हाँ हाँ, तू तू क्या बोल रहा था कि पेट्रोल पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है? नहीं, कल मैंने 20 रुपये का पेट्रोल भरवाया। ठीक है, 20 रुपये का पेट्रोल भरवाया और 40 किलोमीटर घूम कर आया। अबे ऐसे कैसे हो सकता है, 20 रुपये का तूने पेट्रोल भरवाया? हाँ। और 40 किलोमीटर घूम कर आया? हाँ। कैसे? देख, मैंने 20 रुपये का पेट्रोल हाँ एक होटल में भरवाया। हाँ। और साइकिल से निकल गया घूमने। बहुत टैलेंटेड है तू, तेरे वीडियोस को लोग देखते हैं, कॉमेडियन राज सोनी नाम से, जो उस पर तेरा रोमियो रोमियो सर्च करते तेरे नाम से लोग पहचानते। एक बार जरा रोमियो के लिए तालियां हो जाए आपकी। You got, love you all. हाँ, सबको बहुत बहुत प्यार। लेकिन रोमियो रोमियो, मैं एक बात और तेरे से पूछना चाहता हूँ। मैं एक शायरी और सुनाऊँ क्या? शायरी? तेरे को अगर जोर से आई हुई है। एक सुना देता हूँ। एक शायरी ऐसी है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। क्या हुआ? तो यहाँ लड़की देखने आया है। मैं सबको देख रहा हूँ। तो बोल ना, एक कुशकर जी को देखा तो ऐसा लगा। नहीं यार, मतलब शायरी गड़बड़ हो जाएगी ना। चलो बोल, गोल गोल गोल। कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आगे? दूसरी को देखा तो वैसा लगा। अब दूसरी को भी देख रहा है? तेरी हरकतें छिछोरी वाली हो रही है। शायरी है, शायरी है। अच्छा बोल। कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अरे वाह। दूसरी को देखा तो वैसा लगा। और जब दोनों ने थक्कर मारा तो एक जैसा लगा। तेरे कोई थप्पड़ मारा होगा किसी ने? ये चुगना, तेरे शकल देखकर लग रहा है। चुप। अच्छा लेकिन हमारे जो आगे जितने मेहमान बैठे हैं, कुछ मेहमान मोटे हैं। मोटे हैं तो क्या हो गया, मतलब हेल्दी शरीर वाले हैं। बीच बीच में उठ जाइएगा। हाँ, बीच बीच में उठ जाएंगे तो क्या होगा? सोफा को थोड़ा आराम मिलेगा। अच्छा, सोफा को आराम मिलेगा। पार्षद जी कैसे हैं? मस्त है, हैंडसम है। हाँ, ऐसा इनकी खतनी कहती है। इनकी शादी नहीं हुई है रे। अच्छा, फिर गर्लफ्रेंड कहती होगी। चुप। ऐसे लोगों के बहुत चाहने वाले होते हैं, बहुत चाहने वाले होते हैं। अच्छा लेकिन हमारे युवा दोस्तों से एक बात हम कहना चाहते हैं, जो हमारे पढ़ने वाले दोस्त हैं, जितने लोग पढ़ाई करते हैं, जितने हमारे युवा दोस्त जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं कि दोस्तों जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो। हाँ, कि जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो, इश्क बुरी चीज है मत किया करो। जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो, इश्क बुरी चीज है मत किया करो। अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ दो और अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घरों से छोड़ दो। सर थोड़ा करीब आइए। मस्त देख, ये होता ड्रेसिंग सेंस। अच्छा, ये खुद को देख, 6 महीने से चड्डी नहीं बदला इसने। चुप रहे, अभी पिछले वीडियो में इसने सर बोला था कि मुझे नए कपड़े चाहिए, तो नए कपड़े दिए ना तेरे को। लेकिन खुद के लिए चड्डी तो नहीं लिया ना। अच्छा लिया है। सर फोटो ले रहे क्या? ये कहते हैं कैमरा में वही घंटा है। हाँ, जिसको गचकुन में दूसरे के घर में ताक झाक करने की आदत होती है।
वैसे सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कहना चाहूंगा मैं सर के बारे में कि हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में, और रोशन हो आप दुनिया में इस कदर जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। एक बार जोरदार तालियां जरा इनके लिए हो जाए। या। हाँ जी संतोष जी, जरा देखिए। अरे सर की तरफ से इनाम आ रहा है, देखना उधर भाई। हाँ हाँ हाँ, और हमारे जितने पैसे लेके आओ इधर। देखो इसमें दवाई का नाम तो नहीं लिखा है। दवाई का नाम नहीं रे, इसमें इसमें जो है उन्होंने ये लिखा है, इन्होंने 500 का नोट दिया है। जरा चेक कर लेता हूँ। ए भाई कितना भी गौर से देख ले, उसमें गांधी जी ही दिखेंगे, सनी लियोन नहीं दिखेगी। अरे वाह संतोष भाई, एक और लेकर आया होगी। हाँ इसमें भी गांधी जी है। हाँ ठीक है ना, तो अभी मैं चेक नहीं कर रहा, रख रहा। मैं हमारे दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आपको कभी किसी से कुछ मांगना हो तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की है। अच्छा, ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की है। हाँ, दे दे तो ठीक, नहीं दे तो कौन से अपने बाप की है। अच्छा ठीक है, बात तो सही है। एक हमारे युवा दोस्तों से, खास करके जो हमारे युवा दोस्त हैं। हाँ दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त। हाँ नहीं, अगली लाइन तुझे बोलनी है। अच्छा अच्छा ओके ओके। दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए। क्या खाइए? ये बात तुझे बोलनी है। अच्छा अच्छा। हाँ कि दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। अबे गुटखा नहीं, गुटखा खाने से कौन चुस्त तंदुरुस्त रहता है। सेव खाइए, सेव। हाँ सेव खाइए, और खास करके महिलाएं। महिलाएं? महिलाएं आई है क्या? हाँ उधर है। तो उसे बताया नहीं साले मेरे को। हेलो लेडीज। हाँ महिलाएं, अगर आप रहना चाहती हैं फिट तो पीजिए दारू। अबे दारू दारू नहीं, जूस, जूस पीजिए। हाँ, जूस पीजिए। लेकिन एक बात है साहब, जो लोग नशा करते हैं ना, जो लोग नशा करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जो लोग नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं। तो फिर जवानी में ही टह, जवानी में ही टह कर जाते हैं। लेकिन एक बात है, कहते हैं कि जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है। हाँ इंसान के हाथ में तो केवल मोबाइल है। अच्छा, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है। हाँ, और जिसके पास मोबाइल होता है वो किसी के वाह का नहीं होता है। सही बात है। ये लोग बाथरूम भी जाते हैं ना। हाँ तो मोबाइल लेकर जाते हैं। अच्छा बाथरूम भी जाते हैं तो मोबाइल लेकर जाते हैं। हाँ जो काम 5 मिनट में हो सकता है। हाँ उसमें 20 मिनट लगता है। बात तो सही है, रियलिटी है। उनको पहचानता है वो गार्ड साहब को? ये गार्ड साहब कैसे हैं? बढ़िया है। अभी हम बैंक गए थे, हमने थैंक यू बोलने के लिए बोला था कि हमारे जो मेरा काम करवा दिया था मैनेजर साहब ने, तो मैं थैंक यू बोलना चाहता, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं टाइम हो गया, अभी जाइए मैं थैंक यू बोल दूंगा। इन्होंने बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं पता नहीं। देख गोरों से ना कालों से। हाँ मुझे डर लगता है ये बंदूक वालों से। अच्छा ये बढ़िया लोग हैं, बढ़िया, बड़े अच्छे लोग हैं। बड़ा मजा आया यहाँ आकर। चल अभी जाने का समय हो गया, बहुत सारे चैनल वाले हैं भैया। इससे पहले वाले जो मैंने बातें की थी भाई से वो सब कट कर देना आप लोग, है ना। ये स्टेज का थोड़ा सा मान मर्यादा रखते हुए वो जो बातें टाइम पास वाली है ना, टाइम पास की जानकारी होनी चाहिए। हाँ हाँ जो लोग कह रहे थे, जो लोग को जिनको लगता है कि ये टाइम पास है वो करके देखें। डांस तो कर ही लेंगे, कसरत भी करेंगे तो लगेगा डांस हो रहा है। हाँ लेकिन कुछ चीजें जो टाइम पास जिसने कहा था एक बार करके देखना, फिर पता चलेगा टाइम पास क्या होता है। हाँ सही कहा। चलो ठीक है, अभी जाने का समय हो गया है, बोल दे बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज? हाँ एंड जेंटलमैन एंड लेडीज। हेलो। हाँ जेंटलमैन कौन बोलेगा? तू एक बार पूछ ले, जेंटलमैन कैसे हैं आप? कैसी हो लेडीज? और हमारे इधर 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 हमारे दोस्त लोग इधर इधर भी हैं। इधर भी हैं? हाँ वो सर देख रहा है वहाँ चश्मा लगाकर बैठे हैं, सब लोग हाथ हिला रहे हैं, सब सब प्यारे प्यारे लोग हैं। मैं तो उनकी झील सी आंखों में डूब जाता आहा हा, अगर बीच में उनका चश्मा नहीं आता। सर का भी ऐसा ही, डॉक्टर साहब का। हाँ डॉक्टर साहब का भी।
अच्छा, लेकिन पिछले प्रोग्राम में सर हमने एक आदमी को ऐसे ही कहा, यहाँ तो सब बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, पिछले कार्यक्रम में हमने कहा कि मैं, इसने कहा कि मैं तो आपकी झील सी आंखों में डूब जाता अगर बीच में आपका चश्मा ना आता, तो सामने वाले ने चश्मा उतार दिया। वो तो शुक्र है मैंने कोई जाऊंगे के बारे में नहीं कहा था। ओके ठीक है, तो बोल दे वन सेकेंड, एक बार पूछ ले जेंटलमैन कैसे हैं आप। कैसी हो लेडीज। हट, तू जेंटलमैन से क्यों नहीं पूछता। I'm not interested in gentlemen. Okay, मैं बोल देता हूँ bye ladies and gentlemen. एक मिनट। अच्छा कुछ रह गया क्या? हाँ। बोल दे क्या कहना चाहता है। दोस्तों ये लोग पहले से जानते हुए क्या कहूँगा। क्या 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 कहना क्या चाहता है? ये भाई पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। हाँ पढ़ाई लिखाई पर सब ध्यान देगा। गर्लफ्रेंड को मेरे घरों से छोड़ देना है ना। लेडीज हट।